अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्यामे ईद ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज ईद के मौके पर आपको हम कोई सियासी सख्त शो नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों से हम आज आपका तारुफ कराने वाले हैं वो लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, आपको शायद उनकी बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो बनिस्बत ईद वाले दिन के आप वही सियासी गुफ्तगु सुन रहे हों। इनसे आपको प्याम ईद ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ईद का प्याम भी लेंगे, क्या कहते हैं, क्या पैगाम हो सकता है ईद का। हमारी नज़र में ईद खुशियों के हवाले से और खुशियां बांटने के हवाले से है। ईद में खुशियां जब आप बांटते हैं तो आपकी खुशियां ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी मद्देनज़र रखना है कि जहां पे हम खुशियां बांट रहे होते हैं वहां पे हमें लोगों के दुख भी बांटने हैं, क्योंकि इसी से मुआशरे का बुनियाद रखी जाती है और यही मुआशरे की बुनियाद जो है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सूदमंद है। जिन मुआशरों में ये बात नहीं होती है वो मुआशरे टूट जाते हैं। खास मेरा ख्याल है खासी सखील फिर गुफ्तगू हो गई है, थोड़ा सा लाइटर साइड पर हम आज इसको लेकर जाना चाहेंगे। मैं अपने मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उरूज रजा, एंकर पर्सन है रोज टेलीविजन। उरूज, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ तशरीफ रखती हैं नादिया मिर्जा, एंकर पर्सन न्यूज वन टेलीविजन से। नादिया, थैंक यू वेरी मच। मारूख फाहद कुरैशी, एंकर पर्सन कैपिटल टेलीविजन। मारूख, थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सना मिर्जा, एंकर पर्सन जाग टेलीविजन से इनका ताल्लुक है। उरूज, सबसे पहले आपसे हम जरा पूछते हैं, हमें ये बताइए जब ईद का मौका होता है ख्वातीन के लिए ईद कैसी होनी चाहिए? क्या आप कभी सोचा है आपके बैठ के ईदी आपको मिलनी चाहिए, क्या आपको ईदी देनी चाहिए? आपके घर के अंदर आपके हस्बैंड होंगे, आपके भाई होंगे, आपके वालिद होंगे और लोग होंगे, क्या ख्याल है आपका ईद के उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए? हमने देखा है कि मर्द जो हजरात जो हैं घरों से बाहर चले जाते हैं और ख्वातीन को किचन के अंदर छोड़ जाते हैं, क्या क्या किया जाए? आपकी बात सुन के फैसल मेरे जहन में एक मिस्र आ रहा है कि पगले रुलाएगा क्या, जो हमें मिलना चाहिए वो तो मिलता नहीं है। लाइक वी डिजर्व सो मच, वी डिजर्व केयर, वी डिजर्व शेयर, लेकिन हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ईद का दिन किचन में। आप लाइंस शेयर की बात करती हैं ना, वो जो बड़ा एक चंक होता है शेयर, उस चंक की बात करती हैं, लाइंस शेयर तो नहीं मिलता। हमें छोड़ दिया जाता है जी किचन, हमने देखना है ईद का दिन, हम सारा दिन किचन में भी काम करें, हम बच्चों को भी संभालें, घर वालों का भी एग्जॉस्ट लगा होता है आपका जी। ईद वाले दिन ये हम ऐसे आपको ईद पे नजर नहीं आ रहे होते, ये आपके प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हालत हमारी होती है वो आप ईद के दूसरे दिन वो हमेशा कहते हैं ना कि आपको पहले प्लान करना चाहिए, अगर आपने शीर खुरमा बनाना है या सेवइयां बनानी है आपका, ये रात के वक्त बनता है। कहने का मतलब ये कि ख्वातीन नालायक है और वो पहले से प्लान नहीं करके बैठे, पहले से बना लेंगे, पहले से बासी खिला रहे हैं। नहीं, पहले से बना लेंगे तो वो उसका मजा भी ज्यादा हो जाएगा ना, आप उसको रेफ्रिजरेट कर देंगे, ठंडा ठंडा सुबह वो भी करते हैं। इसके बावजूद जो ईद का दिन है वो तो ज्यादा किचन में गुजरता है। मेरे साथ एक ये मसला था कि मैं अपने घर में जरा लाडू मार कर थी तो मैं जरा किचन में नहीं ज्यादा जाती थी, लेकिन अब जिंदगी काफी बदल गई, अम्मा अब्बा एक साल में ही चले गए। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे अब आप किचन से बाहर ही नहीं निकलती हैं, आपको खींच के किचन से बाहर निकालते हैं कि आ जाइए प्लीज किचन से बाहर निकल आइए। ऐसा ही होता है क्योंकि किचन अब सारा खुद ही लुक आफ्टर करना पड़ता है, मेड्स के ऊपर आप छोड़ नहीं सकते। फिर आपका सेट आपके किचन में तो नहीं लगा हुआ उरूज, जहाँ पे आप प्रोग्राम करती हैं अपना? उसके लिए मैं स्पेशली जाती हूँ और हफ्ते में 6 दिन मैं काम भी करती हूँ लेकिन शाम में किचन भी संभालती हूँ और ईद के दिन भी मेरी छुट्टी। और अगर मेरा ख्याल है किसी मर्द को ये काम करना पड़े नादिया तो लग पता जाए, क्या कहती हैं? कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। कैसे हो सकता है? अंडा उबालना, चाय बनाना, हर एक को आते हैं, ये कौन नहीं कर सकता, आप बताइए। आपने कहा कि ये काम अगर किसी मर्द को करना पड़ जाए कि वो बाहर भी मैनेज करे, मतलब अपना वर्क प्लेस भी मैनेज करे, अपना घर भी मैनेज करे, बच्चों को भी मैनेज करे, तो दिस इज एग्जॉस्टिंग जॉब। बट एज फार एज ईद इज कंसर्न तो आई थिंक दिस इज अ फ्लेवर, मतलब उसको ना ईद की सेलिब्रेशन ही ये है ना, मतलब सेक्रीफाइस यू नो फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली, फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर यू नो। कैसे आप सेक्रीफाइस करती हैं? मतलब अगर आप सबको नहीं, आप अपना डेजिग्नेटेड काम कर रही है ना ईद वाले दिन,
designated come hello excuse me hello yeah, I'm not made for this we were not made for kitchen mere abba ga ga karte the nahi bane mere abba ga karte the urus you are jo hai wo kitchen ke liye nahi bane not talking about anchors not every time yeah aurat ki zimmedari farz nahi hai ki wo kitchen ke kaam karegi agar wo karti hai to wo ek ehsaan karti hai ehsaan kar rahi hai ji thoda sa islam ke mazhab ke sakti hai payment bhi demand kar sakti hai parents ke पेमेंट भी डिमांड कर सकती exactly. है ये हमारा मसला किचन में काम करने के लिए सारा काम के ऊपर घर के किचन की नहीं औरत के हस्बैंड के काम करने की औरत पे सिर्फ अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी है लेकिन उसके अलावा अगर उसका एक्स्ट्रा काम करती है या घर का कोई काम करती है इवन अगर औरत जो है इस्लाम की बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वो मेड डिमांड करना चाहे तो वो डिमांड कर सकते हैं और ये फर्ज है मर्द का कि वो उसको फिर जो है वो रख के दे तो ये हमें मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप ये कौन सी सूरा या आयत की बात कर रही है वो आप नादिया से पूछे आज इनका मौलवियों का नादिया को तो फॉर्म में भी वो मौलवी डराते होंगे ना करे ना करे नहीं मौलवियों की साइड पर हम नहीं जा रहे हैं हम ईद के हवाले से बात कर रहे हैं सवैयों के हवाले से बात कर रहे हैं मौलवियों की तरफ नहीं जा रहे नहीं जा रहे क्योंकि मारुख आप ये कह रही हैं कि आप मेड भी डिमांड कर सकती हैं आप अगर मींस नहीं है तो फिर क्या करेंगी आप नहीं तो फिर तो आप देखना अच्छी बीवी होने के भी कुछ तकाजे होते हैं आप सोच समझ कर आप डिमांड करते हैं लेकिन अगर आप चाहें अच्छा वो तकाजे मैं जानना चाहता हूँ अच्छी बीवी नहीं, होने जैसे नहीं जैसे इनका अच्छी बीवी के तकाजे आज मुझे अच्छी बीवी हूँ मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हम मेड भी अफोर्ड कर सकते हैं सारा कुछ लेकिन अगर मैं अपनी खुशी से कुछ उनके लिए ईद वाले दिन बनाना चाहूँ कुछ अच्छा बनाना चाहूँ उन सेक्रीफाइस के जमरे में नहीं आता See, everything has to be out of love, तो फिर आप उसको कहीं काउंट नहीं करते लेकिन जो बेतहाशा जिम्मेदारियां हम पे आयद कर दी जाती है ना और फिर जैसा कि आपने आपने कहा था अपनी डेजिग्नेटेड जॉब्स तो देखिए ये जो परसेप्शन है ना हम इसके बहुत खिलाफ है कि हम खुशी से हमसे आप करवा लें लेकिन जब आप धौस से कहेंगे सेक्रीफाइस था ना वो ये था कि वो कह रही है ना ईद के दिन सब इंजॉय करते हैं हम किचन में होते हैं दिस इज सेक्रीफाइस कि आप सबको एंजॉय बिल्कुल टाइम दे रहे हैं कि वो आगे सेलिब्रेट करें नो मैटर ईद हम ये करते हैं वाले दिन आपने किचन को भी तो चार चांद अगर घर में कोई पार्टी भी होती है आप भी मर्द घुस जाए और अगर कोई मर्द घुस जाए आप भी लगा सकते हैं इट विल बी लाइक यू नो बुल इन द चाइना शॉप मैं एक मिथ की चाहूंगी ये शायद ज्यादा बेहतर बता सकूंगी क्योंकि मैं थोड़ा किचन में इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती वालदा ज्यादा करती हैं वो ये कि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि हम कहीं किसी घर ईद के दिन जाना चाहते हैं तो हमेशा हमारी वालदाएं कहती हैं नहीं पहले दिन बहुत मेहमान आते हैं तो इसलिए घर में रुकना है किचन में रुकना है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो कौन से वाले मेहमान होते हैं जो हमेशा पहले दिन निकल जाते हैं और हमारी ड्यूटी होती है कि हमने किचन में टाइम ये वैसे दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले दिन ईद के अपने घर के अंदर रहे अगर सारे अपने घर के अंदर रह रहे हैं तो फिर मेहमान बाहर कहाँ से मेहमान आते हैं सही बात है मेहमान मैं जब जाती हूँ तो मैं खुद ही मेहमान होती हूँ आप खुद मैं ईद वाले दिन मेहमान अपने घर में बन जाती हूँ इसलिए मेहमान हो जाती है ना कि मेरे अच्छा ईद पे ये होता है ना कि अब चूंकि मैं इस्लामाबाद में हूं माय फैमिली स्टिल देयर तो वो ईद के दिन फला क्या जाना है इसके जाना है वो इतने सारे कमिटमेंट्स होते हैं कि मुझे किचन में जाने का टाइम नहीं आई थिंक तो शायद दूसरे सिटी ट्रैवल करती हूं तो फिर तो इनका मेहमान बनना बनता है यू आर लकी यू आर लकी वाले मेहमान ही नहीं समझ में नहीं आते लेकिन आप अपने घर जा रही हैं ईद का मौका है टाइम कितना स्पेंड कर रही होती है ज्यादातर दावतों में गुजर जाता है नादिया आपको फैसले भी लेना चाहिए ना कि ये किचन में कितनी हेल्प करते हैं किचन देखिए जी मैं एंकर हूं इस वक्त आप लोगों के ईद आपकी है किचन आपका है मेरा ये स्टूडियो है जहाँ पे हमने आपको दावत अच्छा, दी है तो देखें कितने जर्फ के साथ हम आपको दावत देते हैं और बुलाते हैं तो फैसल को किचन के आप अंदर दूर रखें वैसे लेट नाइट मैं किचन के अंदर जाता हूँ जब सब सो जाते हैं तो उस वक्त जाके किचन में मैं जाता हूँ और फ्रिज के अंदर मुख्तलिफ सैंडविचेस बनाना फलों के साथ जो है वो शुगल करना ये मेरा मशगल है और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिस वक्त मैं कोई फल खा रहा होता हूँ क्योंकि उस खामोशी के अंदर जो लुत्फ होता है उस चीज का आप यकीन रखें वो आपको डे टाइम में नहीं आ सकता तो किचन के साथ मेरी बहुत दोस्ती है ये ना समझे खाने की हद तक नट पकाने की हद तक चलिए खाना पकाना या खाना खाना कितना कितना मुख्तलिफ काम है बहुत मुख्तलिफ काम है आपको पसीना बहाना पड़ता है आपको चॉपिंग मुझे खाना पकाना वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है खाना पकाने में मुझे ये आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं 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 ये मैंने खुद ही ये मुझे खुद ही पता है कि मैं कैसा खाना पकाती हूँ लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर बना लेती हूँ खाना लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो है ना चॉपिंग मुझे मैं कहती हूँ मुझे चॉप्ड हर चीज़ मिले तो मैं 5-10 मिनट में खाना पका लेती हूँ लेकिन अगर मैं खुद चॉपिंग बोर्ड पर खड़ी हूँ तो देन आई क्राई
आई स्वेट और फिर मैं कहती हूँ ये मेरी जिंदगी है वो रूज रज़ा यू आर मेड फॉर दिस थिंग तो उस वक्त थोड़ा अफसोस तो जब आप स्टूडियो में बैठी होती हैं तो फिर आपको क्या महसूस होता है कि ये मेरी जिंदगी है या कि यही मेरी जिंदगी होनी चाहिए नहीं ऐसा नहीं है बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए मैं जब घर में होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिलना चाहिए मैं थोड़ा सा काम भी करूँ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी मुझे देखनी है लेकिन मैं कहती हूँ मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए और जब मैं स्टूडियोज़ में होती हूँ तो आपको पता मैं रिपोर्टिंग में भी हूँ तो मुझे फील्ड में भी जाना पड़ता है तो शाम को जब मैं स्टूडियो में बैठती हूँ तो मैं उस वक्त भी काफ़ी थकी हुई होती हूँ आपको यू नो यू सीम टू बी अ सुपरवुमन आप किचन में फील्ड में स्टूडियो में यू आर एवरीवेयर हाँ और मैं शॉपिंग के लिए भी मुझे खुद ही जाना पड़ता है तो आपके हस्बैंड नहीं आपको लेके जाते मेरे हस्बैंड जो है बिल्कुल लेके जाते हैं लेकिन उनकी अपनी जॉब है वो खुद कमिटेड होता है बेचारा शाम में जब आता है थका हारा तो उसको मैं क्या कहूँ अच्छा ये जरा शॉपिंग पे आते हैं लेकिन मैं किचन और ईद के हवाले से जरा पहले गुफ्तगू फरमा लूं मुझे ये बताइएगा ये ईद की डिश क्या होती है कुछ स्पेशल डिश होती है कि बहुत सारे घरों के अंदर कोई ना कुछ खास चीज बन रही होती है ईद वाले दिन आई बिलीव सेवैया इन एनी फॉर्म लाइक सम कुछ लोग सेवैया ऐसी बनाते हैं कुछ उसको शीर खुरमा बनाते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन डिश जो कि हर घर में बन रही होती है आपको तो वो देख के ही शीर खुरमा बन जाता होगा डर के मारे नादिया किचन में आ गई है मैं खुद से बन जाऊं नहीं बट मुझे लगता है नादिया बहुत अच्छी कुक होंगी ये अलग बात है कि कभी ट्राई नहीं किया लेकिन नहीं, 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 मैं कुकिंग करती हूं लेकिन बहुत कम करती हूं लेकिन जब करनी पड़ती है तो करती हूं अच्छा तो वैसे क्या आपके घर के अंदर एक अगर ईद की डिश है तो व्हाट इज दैट डिश यार बिरयानी बिरयानी जो आप नहीं बनाती क्यों नहीं बनाती ईद वाले दिन बनाती हैं आप क्यों आप मेहमान बनी होती हैं ईद वाले दिन भाई ये मैंने जिंदगी की पता नहीं कितनी 50-60 ईदें तो गुजार चुकी होंगी ना ये तो मैं नादिया की 50-60 ऊपर नहीं ये नहीं बता दे स्टेटमेंट वापस ले 50-60 ईदें ये व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मतलब चले कम से कम जितनी भी ईदें मना तो चुकी होंगी ना तो कभी ना कभी तो कुकिंग की होगी ठीक है आज वैसे साल में सना दो ईदें होती हैं अगर वो 50-60 कह रहे हैं 25 फिर ठीक हो सकती है फिर ठीक हो सकती है ठीक है उन्होंने मीरा की कब्र पे जाके फातह पढ़ी और कहा कि मरहुमा बहुत अच्छी थी बेचारी बड़ी जल्दी 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गई तो कब्र के अंदर से हाथ बरामद होता है 50 नहीं 25 तो आप ये नादिया को क्यों लतीफा सुना रही हैं नहीं 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 क्या 25 ही बनता है अच्छा इनका पता मारो वो स्पेशल डिश ऑन ईद या आई थिंक ये बिरयानी वगैरह जो है यही मेन क्योंकि मेन कोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है सेवैयों आजकल सब लोग इतने ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गए टू बी ऑनेस्ट विद यू कि मीठा जो है वो बड़ा पीछे चला गया लाइक हमारे घर में मीठा सच ना तो पकता है ना तो शौक से खाया जाता है बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ लाइक बहुत अच्छी बनाती हूँ तो मैं बिरयानी बनाती हूँ कितने दिनों में बिरयानी बन जाती है नहीं मैं बहुत अच्छी कुक हूँ और मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ और मैं हर तरह का खाना मसलन हमें पता चले ना अगर आपने रात को स्टार्ट किया है बिरयानी बनाना तो अगले दिन किस वक्त तक बिरयानी जो है वो शॉपिंग भी मैं सारी खुद करती हूँ और ग्रोसरी भी मैं सारी खुद करती हूँ और फिर ला के 2 घंटे लगते हैं आप कुछ भी बनवा लें मैक्सिमम बता रही हूँ आपको 2 घंटे में आप बिरयानी जो है वो तैयार करके दे सकती हैं बड़े आराम तो अगर हम आपको फिलहाल किचन में भेज दें और प्रोग्राम हम अपना करते रहे तो आप बिरयानी बना के हमारे प्रोग्राम खत्म होने तक ले आएंगे बशर्ते कि प्रोग्राम 2 घंटे का हो एग्जैक्टली वो है इनका मुझे तो ज्यादा बिठाना है है अभी बिरयानी के बारे में मजीद बात है सना क्या डिश बनती है घर के अंदर जो एक ईद की खास डिश होती है वैसे शुरू से सिवैया मैं तो खैर मीठा बहुत शौक से खाती हूँ मेरी सेहत से भी पता लगता होगा लेकिन ये कि सिवैया ज़रूर बनती हैं उसके अलावा दही बड़े खास तौर पर बनते हैं दही बड़े रिवायती किस्म के नहीं वो जो एक प्रॉपर चने की दाल पीस की और वो जो उस तरह बाजार वाले नहीं होते और फिर उसके ऊपर मेरी अम्मा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक जीरे का और उसका तड़का लगाती हैं तो बड़े स्पाइसी किस्म के बनते हैं एक वो डिश होती है और बिरयानी हम सब बहुत शौक से खाते हैं वो जरूर होती है मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये बात जो आप दही बने वाली आप जो रेसिपी बता रही है आई वॉन्ट टू टॉक मोर अबाउट इट मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो दही बड़े की रेसिपी से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जरा जानते हैं कि किस किस्म का दही बड़े को तड़का लगता है नाज़रीन स्टे ट्यून्ड ईद का शो है आज कोई सियासी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ गपशप कर रहे हैं ताकि आपको एंकर्स की रियल लाइफ के हवाले से भी पता चले कि ये कोई प्लास्टिक के नहीं बने होते ये आर्टिफिशियल नहीं होते दीज आर रियल पीपल स्टे ट्यून्ड नाज़रीन
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। सना मिर्जा नाजरीन हमें बता रही हैं दही बड़े बहुत स्पाइसी से और उनको तड़का भी लगता है। सना किस चीज का तड़का लगाती है? पूछे कि पनामा के ऊपर मसला कब हल होगा? पनामा के ऊपर मसला ना हल होने वाला और उसका दही बड़ों से कोई ताल्लुक नहीं। सना क्या करंट अफेयर्स का शो करती है, दही बड़े डिस्कस कर रही है। दही बड़े हम रेसिपी चाहते हैं आप लोगों को बताएं। वैसे मेरे भी मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। जिस किस्म के दही बड़े बता रही हैं आप तड़के वाले, ये नहीं हमने सुने कभी। चले मैं थोड़ा सा उसको अच्छा थोड़ा सा उसमें कुछ हमने थोड़ी बहुत चेंजेस भी की थी जो मैंने और मेरी मदर ने मिलकर की थी। एक्चुअली चने की दाल को बॉईल करने के बाद उसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसको लाइक जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं उस तरह से हम उसे फ्राई कर लेते हैं और पानी में डिप कर देते हैं, इस तरह वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम रायता बनाते हैं और रायता बनाने के बाद उसमें पूरी रेसिपी बताऊं? जी जी बहुत पूरी रेसिपी कर रहे हैं, बताओ बताओ। लोग देख रहे हैं, उन्होंने पेन पेंसिल पकड़ लिया है। दही बड़े सना मिर्जा टीवी एंकर जो है रेसिपी बता रही है। अच्छा उसके बाद ये करते हैं हम कि उस रायते में हम कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी और मसाले जो भी हमने ऐड करने होते हैं जितने स्पाइसेस हैं। अच्छा फिर थोड़ा सा वहाँ पर मैंने फिर रेसिपी को थोड़ा चेंज किया। मेरी अम्मा कहती थी कि बस उसके बाद उसमें दही बड़े डिप करने और रेडी हैं, लेकिन मैंने ये चेंज किया कि मैं उसमें जीरे का और साबुत मिर्च का तड़का लगाती हूँ थोड़ा फ्राई करके। करंट अफेयर्स वाला तड़का लगा दिया आपने। वो दही बड़े ऐसे होते हैं कि आप उसको नान के साथ भी वैसे खाएं तो वो बहुत मजे के होते हैं। जबरदस्त, वो थोड़ा सा उसमें कच्चा फ्लेवर नहीं होता, वो प्रॉपर ऐसा लगता है कि जैसे आप दाल जिस तरह तड़के वाली खाते हैं वो उस तरह कड़ी कड़ी टाइप के। एग्जैक्टली। और नादिया ये जिस तरह मारुख से हम पूछ रहे थे कि कितने दिनों में ये बनती है, ये दही बड़े कितनी देर में तैयार? सिर्फ वो जो ग्राइंड करने वाला एलिमेंट है ना वो टाइम थोड़ा लेता है, ग्राइंडर में करना पड़ता है, अदरवाइज बाकी सारे काम मेरे ख्याल से एक घंटे के अंदर हो जाता है, इतना कोई लंबा चौड़ा काम। Intrigued और मेरा खाने पीने के मामले में जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उरुज मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें कोई रेसिपी बताएं। आपका पसीना निकल आता है किचन के अंदर, आपको खींच के निकालना पड़ता है किचन में से, हमें कोई रेसिपी बताएं इस तरह की मजे की। मैं चिकन मशरूम पास्ता अच्छा बना लेती हूँ। अभी इन लोगों ने कहा बिरयानी मेरे घर वाले बिलीव करते हैं कि मैं अच्छी बना लेती हूँ, बट आई डोंट लाइक बिरयानी, मैं नहीं खाती बिरयानियाँ। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है टेस्ट, तो मैं उसमें ज़रा एक्सपर्ट हूँ। लाइक चिकन मशरूम पास्ता मैं अच्छा बना लेती हूँ। पास्ता जैसे आप उसको बॉयल करके रख लें, ठंडे पानी में डिप करके उसको निकाल दें और चिकन और मशरूम को आप हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद जब आपका पास्ता तैयार हो जाए उसको एक प्लेट में डालें, उसके ऊपर चिकन और मशरूम डालें। अगर दो प्लेटों में डालेंगे तो दो में भी डाल के, क्योंकि अच्छा, आपने बेक करना प्लेट है में डालना। अभी आपने बेक करना है, इसके ऊपर चीज भी आएगा, इसके ऊपर आप एग्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इसके फ्लेवर्स हैं वो चाइनीज हैं तो आपको वो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि इसका जो अजीनोमोटो है कुछ लोगों को नहीं सूट करता, वो नॉर्मल इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं लेकिन उससे टेस्ट बदल जाता है। तो उसके अलावा इसमें कुछ और सॉसेज होती हैं वो आप इसमें डाल दें, पास्ता सॉस होती है अपनी वो डालें। लेकिन अब आप नाज़रीन को कैसे बताएंगे वो कुछ और सॉसेज जो होती हैं वो कौन सी सॉसेज हैं? जैसे वाइट शो कर रहे हैं आप, कुकिंग शो कर रहे हैं, वाइट चिली है ये नहीं है तो वो डाल देंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ना कि हमारी खवातीन एंकर्स जो हैं वो खाली एक फ्रंट के ऊपर नहीं लड़ रही होती है, आपने वो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर लड़ रही होती है, मल्टी टैलेंटेड है हमारी जो एक साइड पे मैं व्हाइट सॉस बना रही होती हूँ, एक साइड पे मैं पास्ता बॉईल कर रही होती हूँ और एक साइड पे मैं चॉपिंग कर रही होती हूँ। और जब ये सारा मटेरियल तैयार हो जाता है आप इसको एक बाउल में सब चीजों को डाल दें, व्हाइट सॉस ऐड करें, उसके बाद उसके ऊपर चीज चेडर चीज मैं तो जरा पसंद करती हूँ वो उसको अच्छी तरह से फैला दें, उसको बेक रखें। इतनी जल्दी बता रही हैं, इतनी ही जल्दी बनाती हूँ, इतनी जल्दी पे जी जी ये 20 मिनट्स में। ये तो नहीं होता कि आप ये सारी रेसिपी बना रही हैं और घर वाले जो हैं वो सूखने डाल दिए हैं घर में, चिकन को पानी में डाल दिया है? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में लोग ही बहुत कम है, बेचारे दो लोग हो रहे हैं मेरे अलावा, तो वो फिर ये है कि उनको तो पता भी नहीं चलता कि मैं क्या पका रही हूँ। तो वो जब उनको खुशबू जाती है जब मैं ओवन खोलती हूं तब उन्हें पता चलता है कि आपने क्या पकाया है कि यस उस वक्त भी नहीं पता चलता तो उस वक्त भी पता चलता है। और अब तो उनको इतनी अच्छी आदत हो गई है कि जरा सा वो देखे अब वो नहीं बोलते नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है, अब वो पूछते भी नहीं कि ये आपने क्या पकाया, अब चुप करके खा लेते हैं, चुप करके खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी आदत आपने डाली नादिया, इसी किस्म की आदत आई एम श्योर आपने भी डाली होगी। नहीं नहीं ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं, अगर आप बनाएंगी तो डलेगी ना आदत। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, ऑफ कोर्स मैं बनाती भी हूँ और जब मैं बनाती हूँ तो फिर सारे घर में चीजें आ रही होती हैं तो फौरन वैसे क्लिक हो जाता है कि आज क्या बनने जा रहा है। मसलन मसलन ये के लाइक बिरयानी, फिश बिरयानी, आई यूज्ड टू फिश बिरयानी, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग।
ये बताएं जी हमें ये फ्रिश बिरयानी क्या होती है? यार सारी रेसिपीज लेके करेंगे फिर के शो खत्म करके कुकिंग शो शुरू कर देंगे। यार किचन कहां है? बेगम को क्या कि पेन पेपर लेके देखेंगे क्या डिश बनाएंगे। मैं आपको किचन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। आप एक डिश बनाए, लोगों के साथ आप शेयर कर ले पहले क्या रेसिपी है ये। वैसे मैं वेरी इंट्रीगिंग, ये फिश बिरयानी क्या होती है? मतलब जैसे चिकन बिरयानी होती है इसी तरह से फिश बिरयानी होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़ा सेंसिटिव होती है ना फिश, थोड़ी सॉफ्ट होती है तो उसको केयर ज्यादा करनी पड़ती है। आई मीन कि आप पहले फिश को फ्राई कर लें, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की तरफ नहीं जाएं, लेकिन थोड़ा सा आप उसको लाइट सा फ्राई कर लें लाइट गोल्डन पे। उसके बाद वो जो ऑयल है उसमें फिर आप अपना फिश का मसाला लाइक बिरयानी का मसाला बनाए। तो वो जो फिश का जो फ्लेवर है उसके अंदर आप कह रही है बिरयानी का मसाला बनेगा। आपने फ्रेश फ्राई करके निकाल ली तो जो ऑयल है ना उस ऑयल में चूंकि फिश की एक जो पर्टिकुलर स्मेल है वो भी उसमें आ जाती है, प्लस ये कि उसका फ्लेवर भी आ जाता है, उसमें फिर आप बिरयानी का मसाला बनाएं। और फिर जब आप बिरयानी का मसाला बना लें और जब आप लेयर्स करते हैं तो फिर दोबारा से बिरयानी मसाला जब उसको कर लेते हैं ना भून लेते हैं उसका ग्रेवी कम करके, फिर उसमें फिश के स्लाइस रख दें और जब आप फिर लेयर्स लगा रहे हैं तो फिर फिश के स्लाइस लेयर्स में भी रख दें। जिस तरह इस तरीके पूछ रहे हैं ना खाना पकाने के उसी तरीके से तैयारी हो रही है, उसी तरीके से आप तरीके से बना बना के दे रहे हैं। अरे कितने लोगों ने फिश बिरयानी, बट आई स्वेयर मारो अंडा उबालने की तरकीब, कोई आसान चीज पूछे नहीं मारो। अब क्या आपकी क्या आपने आप बिरयानी बताई हमें। मल्टीटास्किंग की आप बातें कर रहे थे, लिटरली ये रमजान अम्मी की मेरी थोड़ी सी तबीयत वो किचन में नहीं गई इसमें जो देख अम्मी अब बोला। तो खैर सात लोगों के लिए मुझे सहरी, सात लोगों के लिए मुझे अफ्तारी, और उस दौरान ये हुआ कि कराची मुझे रह रह के आपके घर वालों का ख्याल आ उनका ख्याल नहीं आ रहा। नहीं वो नहीं, इन्होंने बनाना होता है खाना उन्होंने होता है। मिन्नत कर करके मुझसे फरमाइशें कर करके जो है देखे ना वो मिन्नत पहले मिन्नतें करवा रही है वो, अब जिसने सहरी खानी है वो 5 मिनट रह गए कुछ। लेकिन सबसे अच्छी चीज इसमें ये हुई कि मुझे पहली दफा जो है ना किचन पूरा मेरे अकॉर्डिंगली मिला, क्योंकि अम्मी जब होती है आप किसी चीज को हाथ लगा लें तो ये नहीं करो ये रखो ये नहीं करो, तो ये पहली दफा थी कि मैं पूरी अपने किचन जगह पे नहीं मिलती तो मैंने इतना सीखा। लाइक अभी तक मेरे पकौड़े परफेक्ट हो चुके हैं जो मैंने ये कम रमजान से शुरू किए बनाने। अब मैं किचन में वैसे ये नॉर्मली ये बहुत पोजेसिव होती हैं। I don't know, I think हर औरत का ये थोड़ा सा हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारे घर में भी मेरी दो बड़ी सिस्टर्स हैं और दोनों बाहर होती हैं, तो जब वो वेकेशंस पे आती हैं तो उनकी पहली लड़ाई इस बात पे होती है मामा ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, मामा कहती है ये चीज़ यहीं रखी रहेगी खबरदार तुमने हटानी नहीं है इसे। तो ये इशू ये होता है कि वो अरसे से उस चीज को उसी तरह लेके चल रही होती है, बहुत बड़ा इशू है। वो चेंज जो है वो पसंद नहीं करती बाज़ औक़ात, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आंख बंद करके भी उठाओ तो वो चीज ये चीज थोड़ा सा है कि हर शख्स ने अपने हिसाब से वो चीज किचन के अंदर रखी। और मेरी मदर जो है वो साथ साथ धोती जाती है, मतलब एक प्याला निकाला अगर वो खराब हो गया फिर उसको फौरन वॉश किया तब तक साथ साथ पकौड़े मैं लगाती रहती हूँ इकट्ठा करती रहती हूँ एंड में सारा, तो वो जब एंटर होते वॉशिंग मशीन में डाल देती होंगी एंड के अंदर सारे बर्तन। नहीं धो लेते हैं हम बहुत मल्टीटास्किंग, बार बार हम बहुत काम करना पड़ता है लिटरली, और खास तौर पे न्यूज पर भी नजर रखनी है आपको, इवेंट्स पर भी नजर रखनी है आपको, ब्रेकिंग भी आपको देखनी है, आप पकौड़े भी फ्राई कर रहे हैं, आपको टीवी भी देखना है, आपको हेडलाइंस भी सुननी है, चटनी बना रहे हैं, छोटी सी चीज मिस हो जाए तो फिर ये सुनना पड़ता है कि आप इतनी सी चीज नहीं पढ़ के आए कैसे एंकर हैं। ये ऑफिस में ये भी सुनना पड़ता है, मैं चूंकि प्रोग्रामिंग हेड भी हूँ और अभी ये हमारी जो ईद की ट्रांसमिशन है उसको भी मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ, तो मुझे ये होता है कि अच्छा मैं मॉनिटर भी कर रही होती हूँ साथ साथ कि क्या चल रहा है कहाँ पे, क्योंकि मेरी बीट्स भी बहुत सारी हैं और मैं जाती भी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर और न्यूज़ भी आ रही होती है। अच्छा सिर्फ ये नहीं कि हमने टीवी देख रहे हैं, हमने जो न्यूज़ फीड आ रही है या फिर मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की या मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं उनकी न्यूज़ सेल पे भी आ रही होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके घर घर से पूछा हो आपके हस्बैंड ने कभी रेसिपी और न्यूज़ फीड मिक्स हो गई हो क्या बताया था आपने कहा हो कि आज पनामा लीक्स पकी हैं। हां नहीं आज बाजार से दाल का मैंने भरता बना लिया वैसे एग्जैक्टली होता अमूमन यही है होता ऐसा ही है कि ध्यान उधर होता है। अच्छा ये खबर है अभी चलनी है तो
तो अभी फॉरवर्ड भी करनी है, आप अपने ऑफिस में फोन भी कर रहे हैं यार ये खबर आई है ब्रेकिंग है इसको दे दो अभी दे दो, और दूसरी साइड साथ साथ घर की मुर्गी दाल बराबर भी होती है, यानी घर वाले भी हमसे अच्छा अच्छा हो जाएगी तुम्हारी न्यूज ये पहले ये कर लो, अच्छा चलो वो होता रहेगा आज बिरयानी बना दो, और आप समझ नहीं आ रहे थे कि आप अपने बॉस को किस तरीके से ये बताएं कि भाई मैंने सारी इफ्तारी बिरयानी की प्लेट ले जाए कि मैंने शो भी करना है, बिरयानी की एक कुटी हुई मिर्च उसके अंदर वो साबुत वाली डाल के ले जाएं आप बॉस के लिए। अच्छा दोबारा नहीं बात करेंगे, मेरे बॉस मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि वो मुझे इनडायरेक्ट सुनाते हैं, मुझे नहीं कहते, तो वो कहते हैं देखो ना ये वासिल शायद ये अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसोफर समझता है, देखो इसको इस खबर का नहीं पता, वैसे कहते रहते मैं बहुत पढ़ के आई हूँ एंड आई फील माई सेल्फ के यार ये कहीं मुझे तो नहीं सुना रहे, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं सर ये ठीक है ये सही कह रहे हैं, कभी जो हमें एडिट ना करवानी पड़ेगी और आप के बाद बाद में कह रही हो यार ये एडिट कर देना नहीं, लेकिन ये कि खुद को बंदा एंबैरस फील कर रहा होता है कि यार ये न्यूज स्किप कैसे हो गई। अच्छा मुझे एक और चीज जाननी है, ईद के दिन पहला दिन तो चले आपने घर के अंदर गुजार लिया, आपने कहा मेहमान आएंगे उनको एंटरटेन करना है हमने बाहर नहीं जाना, ईद के दूसरे दिन हाउ डू यू फील किस तरह गुजरता है, अब आपको बाहर जाना पड़ता है या घर के मर्द बाहर चले जाते हैं आपको छोड़ जाते हैं, क्या होता है हाउ डू यू फील के ईद वाले दिन जो है मर्द या घर के अंदर जो मर्द लोग हैं या खवातीन हैं कैसे उनको साथ लेकर चलना है, वो चले जाएं आप लोग घर में बैठे रहें या आप चले जाएं वो घर में बैठे रहें, कैसा गुजरना चाहिए? हमारा तो स्टूडियोस में ही गुजरता है, ईद का सेकंड है मेरा तो अमूमन ऑफिस में गुजरता है क्योंकि कोई ना कोई लाइव शो या तो चल रहा होता है या फिर हम प्रोग्रामिंग जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। आपको ये एक बहस आम सी रहती है कि देखें जी हम खवातीन को घर छोड़ जाते हैं मर्द बाहर चले जाते हैं, किचन में कर लगे रहते हैं, फैमिली में शुरू से ट्रेंड है कि ईद के सेकंड जो है मेरी सारी जो माशाल्लाह सिस्टर्स हैं दे आर ऑल मैरिड तो वो सब अपने अपने घरों में, बट सेकंड डे ईद जो है फिर हमारा लंच अम्मी के घर पे होता है, तो हमारी पूरी जो गैदरिंग होती है वो मेरे जो मैके वाली साइड की तो वो सारी जो है ना वो सेकंड डे अम्मी के घर पे दोपहर के खाने पे हम लोग इनवाइटेड होते हैं, तो फिर शाम तक अल्लाह गुल्ला वही रहता तो है। खाना कौन बना रहा होता है जब आप सब लोग वहाँ पे इनवाइटेड होते हैं? मेट बनाती है या अम्मी बनाती है? अम्मी के ऊपर डाल देते हैं आप लोग। नाज़रीन ये बात करते हैं बहुत सीरियस बात, तमाम बहनें इकट्ठी होके अपनी वालदा के घर और वालदा जो है वो खाना बना रही है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। नादिया, तमाम बहनें यलगार करती हैं वालदा के घर और खाना जो है आपकी वालदा बना रही है। यार एक तो पता नहीं क्या आप बात को जो है ना आप सही के करंट अफेयर एंकर हैं, मतलब चीजों को आप इतना ट्विस्ट कर देते हैं इस तरह इनको उंगली उठा के करना चाहिए। ये करंट अफेयर्स अच्छा ट्विस्ट हम करते हैं, हम ट्विस्ट कर रहे हैं बातों को, ट्विस्ट कर रहे हैं बातों को, करंट लगा रहे हैं। फैसला अच्छा पता क्या चाहिए नादिया, आप हैं वो एंकर जो सारा वालदा फिर डाल देती है। अभी सुनो मेरी बात, अभी व्हाट्सएप ग्रुप मेरी सिस्टर्स का हमारी बना हुआ है, तो अभी सब यही हो रहा था कि अम्मी को अम्मी पे बर्डन नहीं डालना है, सबने ये अपने घर से बना के लेकर आना है, बट मेरी अम्मी इंसिस्ट करती है कि नहीं ईद का दिन ऐसा होता है कि यू विल हैव टू बी हियर और आई विल बी होस्टिंग, तो वो फिर जिद करके बनाती है, तो अभी ये प्लान हो रहा था कि ये बहन ये बना के लेकर आएगी वो बहन वो बना के लेकर आएगी, और फिर आखिर में मुझे ये मैसेज आया था कि अम्मी मना कर रही हैं आप भी सच मुझ का कुछ बना के लेके जाएंगी, मैं सांबा से कुछ नहीं बना के लेके जा सकती। देयर यू गो, वो अम्मी बनाएंगी आपके हिस्से का। वैसे ये हम लाइटर साइड के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि वालदा के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना नथिंग मैचेस दैट, क्योंकि आप शुरू से वो खा रहे होते हैं तो नहीं। अम्मी का भी ये होता है कि ईद के दिन तो मतलब मेरे घर पे आ रहे हो, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी नानी ने रिसेंटली हमारे लिए खाना बनाया, शी कैन बेयरली मूव, उन्होंने बैठ के किचन के अंदर, वो चलने फिरने से भी इतना ज्यादा नहीं फिरती हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आ रही है उनके बच्चे आ रहे हैं मैं खाना बनाऊंगी किचन के अंदर, एंड शी मेड। मैं एक वालदा की तरफ से भी नहीं कर सकते वो टेस्ट जो है वो आप कॉपी नहीं, वो आप कॉपी नहीं कर सकते, माँ के हाथ का होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जो हम बात कर रहे थे तो दूसरे दिन में भी आप इकट्ठे हो गए फिर वालदा के घर पे इकट्ठे हो गए? दूसरे दिन ही इकट्ठे हो गए वालदा। यूजुअली वैसे ही होता है ना फसल के पहले दिन जो जैसे आपका घर है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मेहमान आपके घर आएंगे, लेकिन दूसरे दिन जो शादीशुदा है खासतौर पे वो अपने मैके या ससुराल
जाते हैं, तो ये ही रूटीन रहती है। अब मतलब पहले दिन अपने आप बच्चों और हस्बैंड के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं या कहीं आउटिंग पे या डिनर पे कहीं पे जाना, लेकिन सेकंड डे या मायके या ससुराल दोनों में से एक के घर, वो बड़ा घर होता है, आप कहते हैं जी वहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, तो जो ईद की एक असल फील होती है ना, वो पहले दिन से ज़्यादा एक्चुअली सेकेंड डे का सब वेट कर रहे होते हैं, कि जो गेट टुगेदर होता है वो सेकेंड डे ही होता है। पहले दिन आप नमाज और सारी चीज़ें उसमें आप बिजी, अपने घर में खाने पीने में, वॉट एवर, दूसरे दिन जो है वो अच्छा। मैं ये फिलॉसफी क्या है जी ईद की, ये जो हम ईद मनाने जा रहे हैं, हमें ये तो बताइए जरा ये क्यों, क्या कर रहे हैं हम ये ईद मना रहे हैं? ये ईद की जो फिलॉसफी है वैसे तो वो सुन्नत इब्राहिमी है कि रमजान पूरा आपने गुजारा रोजे रहे। हेलो 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 इब्राहिमी नहीं है यार, वो बकरी जो बड़ी ईद होती है जिसमें कुर्बानी होती है वो सुन्नत इब्राहिमी। अगर ये आप अपने हस्बैंड के हवाले से बता रही हैं तो हम सुन्नत इब्राहिमी तो हम मान लेंगे आपकी बात। किचन स्टूडियो करंट अफेयर्स को डील करना है, रिपोर्ट करना है, मिक्सअप मिक्सअप हो जाती है। सवाल को थोड़ा पैगाम आप इस ईद के जरिए हमें क्या देना चाहिए? चले ये शेयरिंग, शेयरिंग किस चीज की? जो चीज़ आप खाते हैं, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, और आप अपने इर्द गिर्द देखें। मैं इस चीज़ को बड़ा मेरी एक फिलॉसफी है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं या आप पहन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों में अगर किसी को ज़रूरत है तो पहले उनका सोचें। तो मेरी ये आपके इर्द गिर्द के इस्लामाबाद में तो इर्द गिर्द के लोग वापस घरों को चले जाते हैं, वापस घरों को चले जाते हैं, लेकिन जैसे जो लोग हमारे घरों में काम करते हैं उनका भी नज़र आ रहा होता है कि उन्होंने भी जाना है। तो मेरा ये होता है कि अगर मैं अपना ईद का जोड़ा बना रही हूँ तो मैं अपनी मेड का भी ज़रूर साथ में जोड़ा बनाऊँ। अगर मेरे घर में चूड़ियाँ मेहंदी आ रही है तो मेरी जो मेड है उसके लिए या उसके बेटियाँ हैं तो उनके लिए मैं ज़रूर भिजवाती हूँ, मुझे खुशी होती है कि ज़रूर जाए। शेयरिंग आप कह रहे हैं कि इस ईद की फिलॉसफी होती है और तभी खुशी बढ़ती है, ये मैसेज भी खुशी भी तभी बढ़ती है, बिल्कुल ठीक बात है नादिया। ऑफ कोर्स ये तो कोई बात नहीं है, शेयरिंग तो हम लोग मतलब होती है, मतलब ऑटोमेटिकली या हम लोग एक चीज़ बचपन से देख रहे हैं कि मेट्स को भी देना है तो इधर भी ख्याल रखना है उधर भी ख्याल रखना है। बट अगेन मुझे तो एक जो मेरा जो मेजर कंसर्न है इतने अरसे से एक करंट अफेयर शोज़ कर करके भी और न्यूज़ में भी, मुझे ये लगता है कि आवाम में शऊर और आगाही की बहुत ज़रूरत है। शऊर है लेकिन हम जो है ना वो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट, इतना ब्लाइंड फेथ, इतने ब्लाइंड फॉलोअर्स हो चुके हैं कि अगर हमारे लीडर ने कुछ कह दिया तो हमें उसको गलत, सही और गलत की हमने पहचान ख़त्म कर दी है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसने कह दिया, हम ये मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। हम तालीमी डिग्रीज भी ले रहे हैं, एकेडमिक एंड एवरीथिंग, बट ये कि वो चीज़ अपने अंदर डेवलप कर लें तो मेरा ख्याल है हमारा शुमार जो है वो बड़े सिविलाइज कंट्रीज़ में हो जाएगा। इस चीज़ को सोच लें कि ठीक है आप उसके फॉलोअर हैं, ठीक है आप उसको पसंद करते हैं, आपका वो लीडर है, लेकिन क्या वो सही कह रहा है या गलत नहीं कह रहा। इस शऊर, ये शऊर अगर जिस दिन अवाम में आ गया ना उस दिन मेरा ख्याल है ये सारे लीडर्स जो अपनी सियासत चमका रहे होते हैं ना, और आपका ये शऊर हमें ईद वाले दिन उजागर करना चाहिए, नॉट ईद वाले दिन, आपने कहा एक एक मैसेज दें, तो मेरा ख्याल ईद का मैसेज ऐसा होता है जो सारे साल पे होना होता है, सारे साल पे होना होता है, उस हिसाब से आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं। मारुख, मेरे ख्याल से जी मैंने नोटिस किया कि पहले ओकेजंस के ऊपर बहुत ज्यादा मिलना मिलाना होता था, अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ गए कि मिलना मिलाना बड़ा बैकग्राउंड में चला गया है। हम पहले ये सोचते हैं जी कि 10 लोग आ रहे हैं जी, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, खर्चा होगा, मेरे ख्याल से नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं जिनके घर हम जाते हैं। हम बहुत सारे लोगों से सिर्फ ईद इसलिए नहीं मिलने के लिए जाते कि जी वहाँ एसी नहीं होगा, वहाँ गर्मी होगी, या वो खाने को कुछ अच्छा हमें नहीं पूछेंगे। तो मेरे ख्याल से अपने ब्लड रिलेटिव्स के पास जो पूरा साल आप जिनको इग्नोर करते हैं, आप वक्त नहीं दे सकते हैं, आप उनसे मिलिए इस ईद के ऊपर, अपनी खुशियों में उनको भी शामिल कीजिए। और ये चीज़ बहुत पाकिस्तानी कल्चर की बड़ी एक ये क्या क्या पहचान होती थी, लेकिन वो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, हम हमारे ब्लड रिलेटिव से ज़्यादा, करीबी रिश्तेदारों से ज़्यादा, हम अपने दोस्तों यारों, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी पीआर को ज़्यादा फोकस में रखना है। इवन ईद डेज पे भी, बड़ी ईद के ऊपर भी कुर्बानी का गोश्त जो है वो बॉस की तरफ जाता है या दो चार और कोई मिनिस्टर्स जान पहचान के आपके, वो भी इसी तरह करते हैं, हम भी इस तरह।
ये चीजें जरा खत्म होनी चाहिए। और वो जो आपकी जो आपके करीबी अजीज रिश्तेदार खाला चाचे मामू नानी ताई दादी ईद उनके साथ आपको मनानी चाहिए, न कि अपनी कॉन्टैक्ट बिल्डिंग को पीआर बिल्डिंग के लिए, पूरा साल उसके लिए पड़ा हुआ है कम से कम इन ओकेजंस के ऊपर। इसका मतलब है अगर हम इकट्ठे होकर आपसे मिलना चाहें ईद को तो आप हमें घास नहीं डालेंगे, शायद ना डालो इसे। चले हम आपके लिए घास ले आएंगे। और बताइए और बताइए नादिया, व्हाट इज योर सॉरी सना, व्हाट इज योर मैसेज ऑन ईद? मैं समझती हूँ कि शायद मैं बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं, कहते हैं सोच आपकी सोच की दीवार तो ना तामीर कर सकूँ इस माशरे में, बट मैं ईद जरूर रख सकती हूँ। पिछले कोई 8-10 साल जब से इस प्रोफेशन में हूँ तो मेरा एक दिन के अलावा बाकी तमाम टाइम ईद का स्टूडियोज में गुजरता था। ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा क्योंकि अब न्यूज एंकरिंग से मेरा नहीं वो रहा है, वरना अदरवाइज हमारी ईद ऑफिस में ही गुजरती थी। तो मैंने ये सोचा है कि अब ऑनवर्ड जितनी भी ईदें मेरी जिंदगी में हैं उसमें फर्स्ट डे के बाद मैं एक ईद उस शख्स या उस जगह मनाऊं जिनके पास ईद मिलने कोई नहीं जाता। बिकॉज मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक शो शूट किया था ओल्ड एज हाउस में, तो मैंने ये सोचा है कि मैं हर ईद पे ऐसे किसी ग्रुप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं जिनके पास ईद मिलने वाले और कोई नहीं है, क्योंकि रिलेटिव्स और ये सब तो आपके लगे रहते हैं, चलते रहते हैं, और वो एक कहना चाहिए ना कि हर एक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो शायद जिनके पास सही खाने को भी नहीं होता। अच्छा, तो थोड़ा सा टाइम दे दे उनको तो वो इस पे बहुत खुश होते हैं। तो ये एक चीज है जो मैं अडॉप्ट इस साल से मैंने कोशिश की है कि मैं शुरू करूं और मेरी कोशिश है कि और सना की बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि रिसेंटली आई लॉस्ट माय पेरेंट्स इन वन ईयर, तो बोथ पास्ट अवे, एंड नाउ आई रिपेंट कि मैं ये टाइम कुछ दिन मैं अपनी माँ के पास रह सकती थी, मैं अपने डैडी के पास रह सकती वो टाइम उन्होंने नहीं दे सके, और मैं उनको वो टाइम नहीं दे सकी जस्ट बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। खूबसूरत पैगाम है, अपने पेरेंट्स को जरूर टाइम दे दीजिए, डोंट इग्नोर देम, बाद में फिर पछतावा होता है और बड़े दर्द के साथ होता है, रिग्रेट ना रह जाए। नाज़रीन मेरा ख्याल है जो बहुत खूबसूरत हमारे फीमेल एंकर्स ने मैसेज पहुंचाया है कि आप अपने घर से शुरू हों, लेकिन घर से शुरू होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भूल जाएं। हमारे ख्याल में ईद की फिलॉसफी ही यही है, मजहबी तौर पर भी मौशरती तौर पर भी, कि आपको इकट्ठे मिलकर खुशियां बांटनी है, और अगर खुशियों के साथ साथ आप थोड़े से अपने इर्द गिर्द जो मुतवस्सत तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं, हैव नॉट्स हैं, अगर उनके साथ भी खुशियाँ बांट लें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। बहुत बहुत एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। सना मिर्ज़ा, उरूज रज़ा, नादिया मिर्ज़ा, मारूफ फहद कुरैशी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, धूमधाम से ईद मनाइए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय अहले वतन को दिली ईद मुबारक। फीनिक्स बैटरी के साथ जिंदगी चलती जाए। जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक।